दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म मदर इंडिया के बारे में। दोस्तों, भारतीय सिनेमा का कुछ ऐसा है कि जिसने शोले, मदर इंडिया तथा मुगले आजम नहीं देखी, उसने कुछ नहीं देखा। ये तीनों फिल्में समय से परे हैं तथा इन्हें आज भी उतना ही पसंद किया जाता है जितना इन्हें इनके प्रदर्शन के समय किया गया था। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने शोले फिल्म के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप उसे हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं तथा उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, मदर इंडिया को आज से लगभग 62 साल पहले सन 1957 में 25 अक्टूबर को रिलीज़ किया गया था और इसका निर्देशन तथा निर्माण दोनों महबूब खान ने किया। दोस्तों, इस फिल्म को लिखने का काम भी महबूब खान ने ही किया था, किंतु डायलॉग लिखने में वजाहत मिर्ज़ा और एस अली रज़ा ने मदद की थी। दोस्तों, फिल्म में कुल 12 गीत रखे गए थे और संगीत दिया था नौशाद ने। दोस्तों, इस फिल्म में हमें नज़र आए थे नरगिस दत्त, सुनील दत्त, बलराज सानी, राजेंद्र कुमार तथा राजकुमार। दोस्तों, इस फिल्म का बजट रखा गया था 40 लाख, पर यह ओवर बजट होकर 60 लाख में बन पाई थी तथा इसने उस समय 8 करोड़ का कारोबार किया और ये एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों की। तथ्य संख्या एक, दोस्तों, फिल्म का टाइटल एक अमेरिकी पुस्तक जिसका नाम भी मदर इंडिया था से लिया गया था। दोस्तों, इसी अमेरिकी पुस्तक में भारतीयता तथा भारतीय समाज की आलोचना की गई थी तथा बाद में महात्मा गांधी तथा बहुत से भारतीय पत्रों व पुस्तकों द्वारा इसका विरोध किया था तथा इनमें दर्शाया गया था कि इस पुस्तक के लेख व अमेरिकी लोगों के विचार किस प्रकार गलत हैं। बाद में जब महबूब खान ने इसके शीर्षक से फिल्म बनानी चाही, तब सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने महबूब खान की फिल्म की कहानी को भेजने को कहा। दरअसल उन्हें लगा था कि कहीं ये फिल्म भी पुस्तक की तरह भारतीय संस्कृति को ठेस पहुंचाएगी, पर जब उन्हें पता चला कि फिल्म की कथा पुस्तक के बिल्कुल विपरीत है और इसमें भारतीय महिलाओं के स्वाभिमान तथा उनके दृढ़ निश्चय को दर्शाया गया है तथा पुस्तक को चुनौती दी गई है, तब इसे बनाने की इजाज़त मिली थी। तथ्य संख्या दो, दोस्तों, बॉलीवुड में वैसे तो बहुत सारे रीमेक बने हैं, लेकिन सबसे सफल एवं लोकप्रिय रीमेक है मदर इंडिया। जी हाँ दोस्तों, मदर इंडिया महबूब खान की ही 1940 में प्रदर्शित फिल्म औरत का रीमेक है। दरअसल खान ने औरत फिल्म द्वारा एक प्रयोग किया था और इसे प्रेरणा लेकर ही मदर इंडिया का निर्माण किया था और वो सफल भी हुए। तथ्य संख्या तीन, दोस्तों, फिल्म को 1958 में ऑस्कर के लिए भी भेजा गया था, पर यह फिल्म वहाँ मात्र एक वोट से अवार्ड पाने में चूक गई थी। तथ्य संख्या चार, दोस्तों, इसकी रोचक बात तो यह है कि इसकी शूटिंग इसकी स्क्रिप्ट फाइनल होने से पहले ही शुरू हो गई थी। दरअसल फिल्म के बाढ़ वाले दृश्य को रियलिस्टिक लुक देने के लिए 1955 में आई उत्तर प्रदेश की बाढ़ के दृश्य को फिल्माने के लिए एक टीम वहां भेज दी गई थी। तथ्य संख्या पाँच, दोस्तों, फिल्म में आग लगने के दृश्य को शूट करते समय सेट पर आग लग गई थी। वह नरगिस उस आग में फंस गई थी, तब सुनील दत्त ने उनकी जान बचाई थी तथा फिर फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके बीच प्यार हो गया था और कहते हैं कि फिल्म रिलीज से पहले ही नरगिस और सुनील दत्त ने शादी कर ली थी। तथ्य संख्या छः, फिल्म रिलीज से पहले नरगिस और सुनील दत्त की शादी की बात को महबूब खान ने उजागर नहीं होने दिया, क्योंकि उन्हें लगा था कि शादी की बात से फिल्म पर बुरा असर पड़ेगा क्योंकि वो दोनों इसमें माँ बेटे की भूमिका में हैं। तथ्य संख्या सात, दोस्तों, बिरजू के किरदार के लिए एक हॉलीवुड कलाकार जिसका नाम साबू दस्तगीर था के नाम पर महबूब खान ने विचार किया था, क्योंकि वो भारतीय मूल के थे, लेकिन कई कारणों से बात नहीं बन पाई। बाद में दिलीप कुमार को बिरजू का किरदार करने का प्रस्ताव दिया गया और दिलीप कुमार इसके लिए राजी भी हो गए, लेकिन नरगिस ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि दर्शकों के बीच दिलीप नरगिस की रोमांटिक जोड़ी है, उन्हें दर्शक माँ बेटे के रूप में पसंद नहीं करेंगे। तो उनकी बात दिलीप कुमार व महबूब खान द्वारा मान ली गई तथा बाद में बिरजू का रोल सुनील दत्त को दिया गया था, जिन्होंने इससे पहले एक ही फिल्म की थी। तथ्य संख्या आठ, दोस्तों, फिल्म में बिरजू के बचपन की भूमिका निभाने के लिए एक मुंबई की कच्ची बस्तियों में रहने वाले बिन माँ बाप के अनाथ बच्चे को लिया गया था, जिसकी अदाकारी से दर्शक बहुत खुश हुए तथा बाद में महबूब खान ने उसे गोद ले लिया। दोस्तों, उस कलाकार का नाम साजिद खान है, जो बाद में भी कई फिल्मों और
सीरियल्स में नज़र आए थे। दोस्तों ये थे फिल्म मदर इंडिया के बारे में कुछ रोचक तथ्य। दोस्तों अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी हो तो आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। दोस्तों अगली वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म मुगले आज़म की। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे चैनल पर और कौन सी महान फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।